म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं चलेगा। हाँ तो वही बात है गाइस, और पॉइंट इज देखो इरिस्पेक्टिव ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जो सोल के एग्जिस्टिंग बंदे हैं, रेगा, वाइपर, अमन, मॉर्टा, इन लोग मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं। आई थिंक डेट ऑल्सो कीप्स मी गोइंग, एंड 8 बिट में माफिया, मर्सी, अक्षय और गोल्डी भाई, चारों जन मुझे, एंड रेवन ऑल्सो एंड मम्बो ऑल्सो, पाँचों लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। सो आई बिलीव कि ये जो 9 लोग हैं, इन लोग दे कीप मी गोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यू नो आई नो लोग मेरे बारे में आगे पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, थक ये वो फलान टिकाना, देयर लॉट ऑफ टॉक्स, बट भाई किसी को ये नहीं पता कि कौन कहाँ से उठ के आया है, जो सामने दिखता है वो होता नहीं है। मैं एक तो वीडियो बनाने वाला था ऐसी इस बात पे, बट यस बहुत कुछ होता है गाइस जो लोगों को पता नहीं होता, दे जस्ट हैव ओपिनियंस बट दे डोंट नो द रियलिटी कि भाई कोई बंदा कहाँ से आया है, वो लाइफ में क्या क्या देखा है। भाई सबको लगता है बिजनेसमैन, पैसा वाला, बट भाई सबको किसी के हिस्ट्री पे जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या कैसे क्यों क्या। अरे रेबल को कैसे भूल जाता हूँ भाई, रेबल तो रेबल भाई, आई थिंक रेबल इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग डेट हैज़ हैपन टू 8 बिट इन द लास्ट 7-8 मंथ्स। लाइक रेबल जितना अच्छा लड़का मैंने नहीं देखा भाई, वो बहुत जेन्युइन है, झूठ नहीं बोलता। अगर उसको मुझे कोई दिक्कत होगा मुझे मुँह पे बोलेगा, आई गेस वो बहुत ही अलग है भाई। पैसा कमाऊंगा तो इंडिया में कमाऊंगा, पैसा गवाऊंगा तो इंडिया में कमाऊंगा। इधर से ना पड़े तेरे को पीछे से। अबे यार वो उसी का मुझे डर लग रहा है भाई, वरना आज के दिन सोल या 8 बिट नहीं होती, नाम बदल चुका होता इनका। ये नॉक किया, भाग 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 भाग, बबलू को नॉक किया था। टेक बाब, आई हैव सीन इन ओवेस इंटरव्यू दैट फनेटिक नोवा आर एडक्वेट अप्रोच बट यू रिजेक्टेड, आई लव योर डेडिकेशन फॉर स्पोर्ट्स, यू गिव इट अप, वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। कैसे नहीं गिराइए टेक बाबा, मेरे एक ही बात है, देखिए मैं किसी पे भरोसा करूँ ना करूँ, मैं खुद पे बहुत भरोसा करता हूँ, और लाइफ में वो बहुत जरूरी है कि आप खुद पे भरोसा करो। मुझे इतना पता है, आज भी जो लोग मेरे साथ हैं मुझ पे भरोसा करते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े रहे जब तक मैं हूँ गेमिंग में, उन लोग भी रहेंगे, उनका रहेंगे, मतलब उन लोग, उनको मैं कहीं हिलने नहीं दूंगा, उनका कोई भी परेशानी हो मैं गारंटी है। What's the reason you think 8 bit not performing compared to song? But it's actually, I believe one simple reason. देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने जब 8 bit का first lineup, दो lineup थे हमारे, एकदम starting की बात कर रहा हूँ। एक lineup था मैं, Slayer, Mercy, Mafia। एक lineup था अभी है Stat Buns। ठीक है? तो अभी है Stat Buns वाले जो lineup थे, they were excellent, they were one of the best teams, but after PMIS में जब उन लोग debacle हुआ था, उन लोग knockout हो गए थे, उसके बाद से वो team का confidence बहुत टूट गया था, players split हो गए थे, ठीक है, तो उसके बाद वो lineup almost dead हो गई थी, and मैं, Mercy, Mafia, Slayer after PMIS, I decided to quit competitive, and Slayer also decided to, he did not quit, he continued, but I realized कि Slayer का यहाँ पे काम नहीं बन रहा, फिर Mercy को भी एक बार हमने बोला कि मर्सी खुद का लाइनअप बनाना चाहता था, और माफिया वेंट एंड जॉइन गॉडल, तो गाइस इसके बाद ये हुआ कि सब कुछ बिखर गया था, ठीक है, बहुत मुश्किल से मैंने अक्षु टेड और एश लोग मेरे पे ट्रस्ट किए, एंड इन लोग मेरे साथ रुके, वी गॉट मैट तब थे राइजर मैट, और एक लाइनअप बना इनके कहने पे, अक्षु और सॉरी एश और टेड के कहने पे मैंने एक लाइनअप बनाया था, that was riser mat ascended pmco spring, I was happy with their performance, काफी अच्छा खेले, they were doing really good, कोई बात नहीं, they came 13 or whatever, तो फिर that was also fine, but I guess you know pmco fall तक मुझे 8 bit से कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, because tmit में we took up revenge in the month of august, jaipur lane के पहले उनका confirm किया था हमने कि they will be joining 8 bit, they performed excellently well in pmco pmit lane trophy आया हमारे पास, सब कुछ बढ़िया था। I guess things started going downhill for 8 bit after PMCO fall. PMCO fall में 8 bit का जो खराब परफॉर्मेंस हुआ, जब हम लोग फाइनल्स में नहीं क्वालिफाई हुए, I was very disheartened क्योंकि मुझे इस लाइनअप से काफ़ी उम्मीद थी, ठीक है, पर नहीं हुआ। उसके बाद मैं भी सोचा कि नो एश टेड काफ़ी टाइम हमारे साथ रहे, आई हैव गिवन देम अ लॉट ऑफ चांसेस, तो मैंने उनको बोला कि येस यू गाइज आर फ्री टू चूज, अगर आप लोग को दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता है, वरना क्योंकि मैं आपको जितना फाइनेंशियली सपोर्ट करता था अब नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली गाइस मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, इवन आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय रिटर्न्स, मैं एक
एक साइड से सिर्फ पैसे लगाता नहीं जा सकता। तो उसके बाद एश गॉट एन ऑप्शन विद फनेटिक, उसने इन्फॉर्म किया जो ऑप्शन आया है, ही वॉज वेरी ट्रू टू मी, सीधा सीधी बताया कि भाई नहीं मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, आई वॉज लाइक ऑब्वियसली गो हेड, इस सच अपॉर्चुनिटी तुझे नहीं मिल सकता आज के दिन इंडिया में। उसके बाद टेड को ऑफर नहीं आया था, ही वॉज ऑफ फॉर अ मंथ और सो, फिर इसमें मुझे बोला कि मैं भी देखता हूँ कुछ ना कुछ, इसको एस जी मिल गया, फाइन एंड गुड। उसके बाद हमारी आर बी एन जी की लाइनअप वॉज स्टिल गोइंग गुड, क्लच गॉड इन लोग सब, बट देन आफ्टर पी एम एस डिबैकल क्लच गॉड फेल्ट डेट लाइनअप इज नॉट गुड एनी मोर, सो ही डिसाइड टू पार्ट वेज, एंड आर बी एन जी डिसाइड टू पार्ट वेज, आई डोंट नो वाई, उनको मे बी बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए था, मे बी हम लोग उनको खुश नहीं रख पाए थे, तो आर बी एन जी ऑल्सो डिसाइड टू पार्ट वेज, उन्होंने मुझे सीधा सीधी कहा कि हम लोग अकेले खेलना चाहेंगे अब इंडिपेंडेंट, तो ठीक है वॉट एवर। उसके बाद मेरे हाथ में मैंने एक ही चीज़ सीखा यू नो ओवर द लास्ट वन ईयर, कि जो भी यू नो प्लेयर्स मैंने लिया उठाया, आई बिलीव दैट यू नो प्लेयर्स आते जाते रहते हैं, अ लॉट ऑफ कम्पिटिटिव प्लेयर्स, बट वॉट आई शुड फोकस ऑन इज प्लेयर्स जो मेरे साथ स्टिक किए हैं। आई गॉट बैक माफिया मर्सी एंड अक्षु, अक्षु को लाइक मुझे दाद देना होगा, ही हैज बीन विद मी सिंस 8 months, ठीक है, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, एंड ही ट्रस्ट मी इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर, यू नो मतलब कि कितना भी कुछ भी हो जाए, अक्षु स्टिक्स स्टूड बाय मी। तो अक्षु माफिया मर्सी हमें मिला, फिर मुझे दो प्लेयर यश और सेवन मिले, सेवन इज एन एक्सीलेंट प्लेयर, यश बच्चा है थोड़ा सा मच्योर होना पड़ेगा, ऑल्सो ही हैज ग्रेट टैलेंट, तो मेरा भी टारगेट ये है, मैंने और गुल्डी भाई ने ये डिस्कस किया कि हम लोग जो हमारे लॉयल लोग हैं उनको फुल इंफ्रास्ट्रक्चर फुल फैसिलिटीज देते हैं, एंड विल ट्राई टू मेक दैम, 6 महीने चले जाएंगे कोई नहीं, 6 महीने भाई एक साल पैसा बर्बाद किया, 6 महीने और इनको सपोर्ट करके देखते हैं, लेकिन अब वही प्लेयर्स को हम लोग ग्रो करेंगे जो अपने जो मुझे पता है कि अपने खुद के हैं, लाइक यू नो नॉट इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि हम लोग कोई रैंडम टीम को उठाए, बट हो देखिए अब ये हो सकता है कि कभी के ब्रांड वैल्यू रखने के लिए टीम्स हमें उठाना पड़ता है शॉर्ट पीरियड शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, आई एम नॉट रियली श्योर कि पीएमपीएल में 8 बिट की कोई लाइनअप रहेगी या नहीं रहेगी, बट लेट्स सी इफ थिंग्स वर्क ऑन आवर फेवर एंड कोई अगर हमें ज्वाइन करना चाहेगा तो विल सी, बट प्रॉब्लम ये है गाइस, देखिए हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं, आप अगर देखो जो भी प्लेयर्स मेरे साथ स्टिक किए हैं फॉर द लास्ट वन ईयर या काफ़ी टाइम से, उनका आप आज के दिन वो देख लो फ्यूचर, और जो आते जाते गए हैं व्हाट दे आर डूइंग कम्पीट, अच्छे स्किल तो सब में ही था, बट वही है कि ग्रोथ की बात होती है। सो आवर गोल राइट नाउ इज कि यही जो मर्सी माफिया अक्षु सेवन और यश की लाइनअप है, इनको हम ग्रो करेंगे, इनको डेवलप करेंगे, इनको सारे फैसिलिटीज देंगे, एंड विल ट्राई टू मेक चैंपियंस आउट ऑफ देम, एंड लेट्स सी क्या होता है। तो आई थिंक बैड परफॉर्मेंस के रीज़न ये है कि हम लोग का अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा हुए 8 बिट के कॉम्पिटेटिव साइड में, बट आई बिलीव सेटल हो जाएगा गाइज, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस ई स्पोर्ट्स थिंग, यू नो होता है ये चीज़, लाइक अब आप एक चीज़ देखो RCB भी IPL में एक भी कप नहीं उठाए, बट आज के दिन भी RCB की फैन कॉलिंग है, सो आई बिलीव 8 बिट को मैं वैसा ही कंपेयर करता हूँ, वी आर हेयर बिकॉज ऑफ आवर फैंस, रात को 3:30 बजे 3300 लोग मुझे देख रहे हैं, वॉट एल्स कैन आई आस्क, सो आई थिंक दैट्स इट, 8 बिट इज हेयर फॉर देयर फैंस, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यहीं बैठे हैं, एंड लेट्स सी जो भी हार्डशिप्स होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द हार्डशिप विल कंटिन्यू डूइंग आवर वर्क, यही है।